सिंचाई विभाग के बाढ़ उपखंड द्वितीय मुरादाबाद के द्वारा चक्कर के मिलक स्थित रामगंगा किनारे बने घरों को चिन्हित कर नोटिस देने पर क्षेत्र में मचा कोहराम। चक्कर के मिलक स्थित रामगंगा किनारे बने मकानों को बाढ़ उपखंड द्वारा करीब 200 मकानों को नोटिस दिया गया कि जल्द से जल्द वे अपना घर खाली कर दें, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। इन सब बातों को लेकर लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के संस्थापक हाजी मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में बस्ती के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि मुरादाबाद रामगंगा किनारे गरीब मजदूर मलिन बस्तियों का बैनामा है, जहां पर लोग कई पीढ़ी से रह रहे हैं। इन कॉलोनियों से नगर निगम विद्युत विभाग के कनेक्शन, राशन कार्ड, भवन कर वर्षों से सरकार वसूलती आ रही है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्य रूप से मांग की है कि रामगंगा और ढीला नदी व किसान के स्थान पर नियमितीकरण किया जाए। रामगंगा व ढीला नदी के किनारों को कितना कितना स्थान निहित है, यदि सरकार द्वारा कोई योजना है तो विभाग ने नोटिस देने से पहले मुआवजा और अन्य स्थान देने का प्रावधान क्यों नहीं किया। आप इन सब बातों को लेकर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर मौजूद है। ये पारखंड ने जो हमें नोटिस दिया है, हम उसी के लिए प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि हमें ये वापस लिया जाए और हमें ये रहने दिया जाए सुकून और चैन से। उजाड़ने की कोशिश ना करे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही रजिस्टर्ड किया है हमें। रजिस्ट्री है आपकी जमीनों की? अच्छा, कितने मकान है जिन पर निशान लगाया है नगर निगम? ये कम से कम ज्यादा होंगे, 200-250 से ज्यादा। आज आप कितने लोग आए हैं यहाँ पर? कम से कम 200-250 के आसपास। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे आगे घर से आगे जो मतलब किसानों की जगह है वहाँ पर सूखी पड़ी है, अगर उसको मतलब गवर्नमेंट को रोड निकालना ही है तो उससे मतलब हमारे घर छोड़कर रोड निकाल लिया जाए और हमें सुकून से चैन से रहना दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही रजिस्टर्ड किया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री नहीं करनी थी या हमें निकालना था गवर्नमेंट को, तो हमारी रजिस्ट्री नहीं करती वहाँ की जारत पे की चक्कर की मिलक की। ठीक है, क्या आज की इस बात को लेकर प्रदर्शन है? देखिए, लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने आज एक नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है कि यहाँ मुराद के अंदर एक मुआवजा कमेटी दिल्ली रोड पर बनी, जो नगर निगम, नगर आयोग और महापौर जी ने बनाई। रामगंगा के कस्बे किनारे लगभग करीबन 3 से लेकर 4 लाख लोग रहते हैं और ये बैनामा शुदा जमीनों पर रहते हैं, क्योंकि रामगंगा कभी जो है त्रिलोकपुरी में बैठी थी। ये रिकॉर्ड आप ले सकते हैं, ये आपको अधिकार है। और पीपल थाने के कॉर्नर से ढेलर जो एक बहकर आती थी, सन 1967 में जब मुराद में बाढ़ की स्थिति आई, उसके बाद में जो काशकार था दोनों खेतों के अंदर जो खेती करता था ककड़ी की, तरबूज की, उसके बाद जैसे जैसे शहर बढ़ता चला गया, मुराद की जो गंगा का अभियान है, वो गंगा अभियान को जो आज की तारीख में सरकार चला रही है, वो अरबों रुपये घोटाला सरकार ने किया है। उस घोटालों को दबा के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये नौटंकी सरकार कर रही है, क्योंकि बाढ़ पीड़ित विभाग को नोटिस देने का अधिकार इसमें नहीं है। 3 से लेकर 4 पीड़ित से यहाँ लोग रह रहे हैं, तो इसलिए हमारा मानना यह है कि यदि सरकार को किसी जगह की जरूरत होती तो पहले मुआवजा कमेटी बननी चाहिए, किसी के घर को उजाड़ने से पहले मुआवजा कमेटी बननी चाहिए। आप बगैर कमेटी बनाए लोगों को कैसे उजाड़ देंगे? पुलिस के बल पे और आपातकाल के बल पे कैसे उजाड़ देंगे? आज ये लोग यहाँ क्यों आए? इसलिए आए हैं कि इनको नोटिस दिए गए, इनके पास बैनामे मौजूद है, डीएम साहब को दिखाने आए, ये सारे बैनामे मौजूद है, सारे एक आदमी के पास बैनामा मौजूद है। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से लोग रहते हैं, जिस तरह से चुड़ी अपना घोंसला बनाती है तिनके से, इसी तरह से इन्होंने अपने घर बनाए। कितने लोग? लगभग करीबन इनकी तैदाद जो है वो करीबन 70 से लेकर 75 हजार लोग हैं जिनको इन्होंने पीड़ित किया है। कितने परिवार के लोग यहाँ कचहरी में? यहाँ परिवार के लगभग 200 से 250 300 परिवार, मैं बच्चों के परिवार के साथ यहाँ आए हैं, कलेक्ट्रेट के अंदर आपके सामने मौजूद है।